लहसुन प्याज खाना अधर्म माना जाता है, क्या रिश्ता है इनका ग्रहों से? अगर हमारे खाने में ये ना पड़े तो खाना बेस्वाद लगने लगता है। लेकिन कई लोग लहसुन प्याज खाने को अधर्म बताते हैं, पर सोचने वाली बात है कि आखिर किसी खाने वाली चीज को धर्म अधर्म से क्यों जोड़ दिया गया? क्या है इसके पीछे का रहस्य? ये बात तब की है जब अमृत पाने के लिए देवता और असुर साथ मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन के बाद जब उससे अमृत निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में झगड़ा होने लगा, जिसे सुलझाने के लिए और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान विष्णु एक परम सुंदरी स्त्री मोहिनी का रूप लेकर आए। कहते हैं मोहिनी की खूबसूरती ऐसी थी कि जो भी उन्हें देखता वो सब कुछ भूल जाता था, और इसी बात का फायदा देवताओं को हुआ। मोहिनी की सुंदरता देखकर असुर खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे और उन्होंने मोहिनी से पूछा, आप कौन हैं सुंदरी? लगता है आप ही हमारे इस झगड़े का निपटारा करा सकती हैं। तब मोहिनी ने कहा, अच्छा होगा अगर आप लोग इसे खुद ही आपस में बांट लें। लेकिन मोहिनी की सुंदरता का जादू सभी के सिर चढ़कर बोल रहा था। असुर इस बात पर डट गए कि अब आप ही के हाथों से हम इस अमृत को ग्रहण करेंगे। देवताओं और असुरों को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी ने उन्हें एक लाइन में खड़ा कर दिया और सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। लेकिन तभी असुरों की लाइन में स्वरभानु नाम के राक्षस को विष्णु जी के मोहिनी रूप की सच्चाई पता चल गई और वो वेश बदल कर देवताओं की लाइन में आकर खड़ा हो गया। जैसे ही मोहिनी उसे अमृत देने के लिए आगे बढ़ी, स्वरभानु का सच सबके सामने आ गया। ये देखकर सभी देवता गुस्से से आग बबूला हो गए और तब क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र स्वरभानु पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके शरीर के दो हिस्से हो गए। शरीर कटने के बाद उसका सिर वाला भाग राहु कहलाया और धड़ वाला भाग केतु, जिन्हें हमारे शास्त्रों में छाया ग्रह कहा जाता है। इतना ही नहीं, स्वरभानु का जब शरीर कटा तो उसके खून की बूंदें धरती पर गिर गई थी और इन्हीं बूंदों से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। कहते हैं इसीलिए लहसुन प्याज से हमेशा तीखी सी गंध आती रहती है। इतना ही नहीं, मान्यताओं के अनुसार इसे मांसाहारी की श्रेणी में रखा जाता है और यही वजह है कि शास्त्रों में इसका सेवन करना अधर्म माना जाता है। आप लोगों ने ऐसा कई बार किया और सुना भी होगा कि भगवान के खाने में कभी भी लहसुन प्याज से बनी किसी भी चीज का भोग नहीं लगता, और इसकी यही वजह है कि इसकी उत्पत्ति एक राक्षस के खून से हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राहु केतु के शरीर में अमृत की कुछ बूंदें पहुंच गई थी, इसलिए उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी पाई जाती है, यानी कि बीमारियों के लिए ये संजीवनी बूटी के समान काम करता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कुंडली में राहु ग्रह खराब होने से इंसान को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, पाइल्स और हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारियां उसे बनी रहती हैं। वहीं केतु की दशा खराब होने की वजह से जातक को जोड़ों में दर्द की समस्या से जूझना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी राहु केतु दोष से परेशान हैं तो तुरंत इन उपायों को अपनाकर आप अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं, जिसमें से पहला उपाय है विष्णु जी के मंत्र का जाप। अगर आप इस दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
इस मंत्र का 108 बार जाप करें। सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें और इस मंत्र का जाप करें। आपकी बीमारियां जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। वहीं अगर आपकी कुंडली में केतु दोष निकलता है तो अपने पास हमेशा हरे रंग का रुमाल जरूर रखें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां कम होंगी और कोई अनहोनी भी नहीं होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन कन्याओं को दही और हलवा खिलाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से केतु के दोष दूर होते हैं और घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, जिसकी वजह से आपकी दिक्कतें कम होने लगती हैं। इसके अलावा अगर आप सक्षम हैं तो किसी गरीब कन्या का विवाह कराने या उसके विवाह में सहयोग करके आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव कम होता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।